टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द कोडोमिनेंस। सो जैसे कि हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था कि जब डोमिनेंट एंड रिसेसिव का क्रॉस होता है, सो जो हम लोगों को नेक्स्ट जनरेशन में मिलता है F1 जनरेशन, दैट शोज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, बोथ आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट। इसके लिए इसका नाम क्या था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसका एग्जाम्पल एक रेड फ्लावर एंड वाइट फ्लावर लिया था और दोनों का फर्टिलाइजेशन से एक पिंक फ्लावर आया था, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ स्नैपड्रैगन। सो नेक्स्ट इज द कोडोमिनेंस, जहाँ पर हम लोग ब्लड ग्रुप का एग्जाम्पल देखेंगे। तो जब हम लोग कोडोमिनेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो तब हम लोग क्या देखेंगे कि ब्लड ग्रुप जो है उसका एग्जाम्पल कोडोमिनेंस के साथ जाता है। सो ब्लड ग्रुप्स ह्यूमन बीइंग में ABO ब्लड ग्रुप्स बोला जाता है, दैट इज कंट्रोल बाय द जीन I। सो एक जीन होता है जिसका नाम I है, तो वो कंट्रोल करता है क्या ब्लड ग्रुप को, और ब्लड ग्रुप ABO टाइप्स का ही होता है। अब जो ब्लड ग्रुप मतलब A हो, B हो या जो भी हो, हर एक ब्लड में तो RBC है, रेड ब्लड सेल्स, तो जिसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, शुगर पॉलीमर्स। सो ये शुगर पॉलीमर्स मेम्ब्रेन में है और जो बाहरी हिस्सा है उसे थोड़ा सा निकलता हुआ दिखाई देता है प्रोट्रूड करके। सपोज ये मेम्ब्रेन है, सो प्रोटीन जो शुगर मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे प्रोट्रूड करता हुआ दिखाई देता है। सो द शुगर पॉलीमर्स प्रोट्रूड फ्रॉम द सर्फेस, और जो शुगर रहेगा कौन सा भी हो शुगर, तो वो वाला कौन कंट्रोल करेगा, जीन I। सो मतलब ये जो सरफेस एरिया है और यहाँ पर प्रोट्रूड करता हुआ जो शुगर पॉलीमर्स है, इसको कौन कंट्रोल करेगा, जीन I। जीन I का 3 एलील्स है, IA, IB एंड स्मॉल I, 3 एलील्स है। अब अगर एक आदमी के पास IA है या फिर IB है, सो दे विल फॉर्म डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर, अलग अलग IA का अलग वैरायटी, IB का अलग वैरायटी ऑफ शुगर है। अगर दोनों एक साथ है तो दोनों मतलब IA, IB है, सो दोनों एक साथ अपने आप को एक्सप्रेस करने का कोशिश कर रहा है, सो दे एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर। एंड स्मॉल I अगर है तो वहाँ पर कोई भी शुगर मॉलिक्यूल्स नहीं है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इधर कि कोडोमिनेंस में जो देखा जा रहा है कि ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है, जहाँ पर एक जीन जेट इज़ I विच कंट्रोल्स द शुगर पॉलीमर्स अटैच टू द सर्फेस ऑफ द RBC। सो ये हुआ। और जैसे कि अगर ये है या फिर IB है, सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ शुगर होगा। अगर दोनों ही एक जैसा है, सो दे विल एक्सप्रेस देयर ओन टाइप ऑफ शुगर, और अगर स्मॉल I है सो देयर विल बी नो शुगर एट ऑल। सो देयर विल बी 3 डिफरेंट एलील्स, IA, IB, स्मॉल I, एंड देयर विल बी 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जब करेंगे तो 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आएगा। और अभी हम लोग कॉम्बिनेशंस को थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कि इधर देख रहे हो कि पेरेंट है, पेरेंट 2 है, दो पेरेंट्स चाहिए होगा फॉर फर्टिलाइजेशन, फिर ऑफस्प्रिंग है, फिर ब्लड टाइप है, 4 ऐसे कॉलम्स बनाएंगे। और इसमें जैसे हम लोगों ने चेकर बोर्ड या पुनर्स्क्वायर में डाला था, सो गैमेट्स वाइज हम लोग ये सेट करेंगे, और यहाँ पर ऑफस्प्रिंग है F1 जनरेशन, फिर ब्लड टाइप यहाँ पर लिखना होता है। सो अगर पेरेंट का एक IA है, दूसरा पेरेंट का भी IA है, जीन डिनोटिंग द शुगर टाइप, और जो ऑफस्प्रिंग आएगा उसका क्या होगा, IA एंड IA, दोनों ही एक जैसा है सो सेम टू सेम होगा। और ब्लड टाइप क्या होगा, दोनों में A है सो A, IA, IB है, अगर एक पेरेंट का A है दूसरा का B है, सो कॉम्बाइन में क्या आएगा, IA, IB एंड कॉमनली द ब्लड ग्रुप विल बी AB टाइप। IA एंड स्मॉल I, देन IA एंड स्मॉल I ऑफस्प्रिंग में, और ब्लड टाइप क्या होगा, ये तो शुगर कुछ प्रोड्यूस करता है नहीं, सो देन द ब्लड ग्रुप विल बी A। फिर अगर एक पेरेंट का B है दूसरे का A है, सो IB होगा, दोनों ही में B है टाइप शुगर, सो जो बच्चा आएगा दैट इज़ ऑल्सो हैविंग B। एक में B है दूसरे में कुछ नहीं है, मतलब स्मॉल I है, सो द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑल्सो हैव अ ब्लड टाइप B। सो क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो स्मॉल I है इसमें कोई शुगर कंट्रोल का कैपेसिटी नहीं होता है, सो इसलिए इसमें से तो कुछ है ही नहीं, नो शुगर, सो इसलिए B टाइप आएगा। और अगर दोनों ही रिसेसिव में है, दैट इज़ I स्मॉल I, सो यहाँ पर भी I स्मॉल I, तो ब्लड ग्रुप इज O। मतलब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये वाला और ये वाला में क्या देख रहे हैं कि दोनों ही
शुगर जो है, दे एक्सप्रेस ओन टाइप ऑफ शुगर। आई ए आई बी सिचुएशन में दोनों ही प्रोड्यूस करना चाहते हैं एक जैसा शुगर। सो ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर भी ए बी है, मतलब कॉम्बिनेशंस देखो, आई ए आई बी एंड आई बी आई ए, जो भी पेरेंट्स का हो, मेल पेरेंट का आई ए हो सकता है, फीमेल का आई बी हो सकता है। सो ऐसे करके मतलब जो कॉम्बिनेशन आ रहा है, सो दैट इज एक्सप्रेसिंग द ए बी टाइप। सो इसलिए इसका क्या है ब्लड ग्रुप, मतलब ए बी एंड ए बी, सो दिस शोज को डोमिनेंस। सो ये एक एग्जाम्पल हुआ को डोमिनेंस का। वही वाला ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम अब मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल में आ जाएगा, क्योंकि देखो ये ब्लड ग्रुप है और ब्लड ग्रुप कंट्रोल करने वाला जो एलील्स है वो मल्टीपल है, थ्री एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर, क्योंकि ब्लड ग्रुप है। सो आई ए आई बी एंड स्मॉल आई, देर आर थ्री एलील्स गवर्निंग द सेम कैरेक्टर। और एक देखो एक इंडिविजुअल में दो एलील्स ही हो सकते हैं, मल्टीपल एलील्स कब हम लोगों को मिलेगा, जब हम लोग पॉपुलेशन स्टडी करेंगे तभी मिलेगा, क्योंकि एक आदमी में तो, एक ह्यूमन बीइंग में तो टू एलील्स ही प्रेजेंट हो सकता है। तो जब हम लोग बहुत ज़्यादा आदमी को स्टडी करेंगे, पॉपुलेशन स्टडी करेंगे, तब हम लोगों को मिलेगा कि हाँ थ्री एलील्स का एग्जिस्टेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंगल जीन एंड मोर इफेक्ट, मतलब एक जीन बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के हिसाब से हम लोग स्टार्च सिंथेसिस, सीड्स में स्टार्च प्रोड्यूस होता है ना, सो मतलब स्टार्च तो प्लांट्स का लीव्स में प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, और ये सीड्स में स्टोर होके रहता है। सो इन पी सीड्स इट इज़ कंट्रोल्ड बाय वन जीन, कोई भी सीड हो गया तो इसको कौन कंट्रोल करेगा स्टार्च प्रोडक्शन, एक जीन, वन जीन, एंड इट हैज़ टू एलील्स। जो जैसे कि वन जीन में हमेशा टू एलील्स ही होता है, देखो स्टार्च सिंथेसिस वन जीन है जिसका टू एलील्स है, कैपिटल बी स्मॉल बी, एक डोमिनेंट होता है और दूसरा रिसेसिव होता है। सो स्टार्च इज सिंथेसाइज इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी, कैपिटल बी जो लार्ज साइज सीड है जिसका मतलब होमोजाइगस कंडीशन में जो डोमिनेंट है, देखो कैपिटल बी कैपिटल बी, मतलब ये वाला जीन हमेशा लार्ज साइज सीड देगा, और जो स्मॉल बी है वो स्मॉल साइज सीड देगा। लेकिन अगर शेप देखेंगे तो जब कैपिटल बी आएगा, मतलब वो जो सीड में है, तो उसको राउंड दिखाई देगा, पूरा भरा हुआ स्टार्च और गोल गोल, और ये जो बी बी है स्मॉल है और उसमें स्टार्च बहुत ही कम है, तो थोड़ा सा मतलब रिंकल टाइप दिखाई देगा। सो राउंड होने से हम लोग ऐसे सिंपली राउंड कर सकते हैं सीड, राउंड पी सीड का, और दूसरा ऐसे कुछ खुददरा ऐसे टाइप का सीड होगा जिसका नाम क्या है, रिंकल सीड। सो जब स्टार्च कंट्रोल करने का एग्जाम्पल देखेंगे, there you can understand this single gene that is B which is having two alleles, and one when will have homozygous condition it will produce the large seed with the round structure, this is small or wrinkle. जब ये दोनों plants का fertilize मतलब crossing होता है, so वहाँ पर क्या देखेंगे कि offspring जो आता है, so उसका मेंडेलिज्म का क्रॉस में भी, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी हम लोगों ने देखा है कि कैपिटल बी इंटू स्मॉल बी, सो इंटरमीडिएटली जो नेक्स्ट में आएगा वो क्या है, कैपिटल बी स्मॉल बी, मतलब हेटरोजाइगस कंडीशन में आएगा। सो उसका साइज क्या होगा, इंटरमीडिएट, बहुत बड़ा भी नहीं होगा, बहुत छोटा भी, मतलब एकदम बिल्कुल भी छोटा भी नहीं होगा। सो जो साइज आ रहा है वो इंटरमीडिएट दिखाई दे रहा है। और अगर शेप के बारे में देखेंगे तो उसका क्या दिखाई दे रहा है कि राउंड शेप है और साइज इंटरमीडिएट है। सो अगर स्टार्च ग्रेन साइज को हम लोग पकड़ के चलेंगे और इसको अगर देखेंगे कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक है, सो तब क्या देखेंगे कि क्या है, मतलब The alleles show incomplete dominance. Alleles जो है वो incomplete dominance दिखा रहा है अगर size के हिसाब से चलेंगे, so alleles show incomplete dominance. So dominance characteristics जो है ये जीन का फीचर नहीं है, लेकिन किसका फीचर है, जीन प्रोडक्ट का, क्या हुआ है उससे। ये जो जीन है इसका फीचर नहीं है कि वो क्या क्या कर रहा है, लेकिन क्या कैसे हम लोग को पता चलेगा कि डोमिनेंट है कि नहीं है।
सो क्या फेनोटाइप आया है, क्या एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक आया है, उसको देख के नहीं पता चलेगा कि हाँ यही डोमिनेंट या राउंड आया है। मतलब पहले वाला क्या था, डोमिनेंट ही था, कैपिटल बी कैपिटल बी। एक्चुअली इसका खुद का फीचर नहीं, इट्स नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन, बट इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड द प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर फेनोटाइप फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। जो भी आया है उसका कैसा कैरेक्टरिस्टिक आया है उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका कैरेक्टरिस्टिक। सो ये राउंड हुआ मतलब क्या है, वो डोमिनेंट है, वो राउंड ही, वो डोमिनेंट ही था। ये रिंकल्ड हो जाता तो मतलब उसको सोचते कि ये वाला मतलब रिंकल्ड है। सो ये पॉइंट है, मतलब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो स्टार्च कंट्रोल करने वाला सिंगल जीन है इसमें मोर देन वन इफेक्ट हो रहा है कि नहीं। किस लिए बता रहे हैं ये एग्जांपल, क्योंकि इसमें मोर देन वन इफेक्ट दिखाई दे रहा है, मतलब साइज भी है और शेप भी दिखाई दे रहा है ऐसा। सो वन जीन इज कंट्रोलिंग द मैनी कैरेक्टर्स एंड डोमिनेंस इज नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। जीन का खुद का फीचर नहीं है, और द प्रोडक्ट दैट इट हैज इन्फॉर्मेशन फॉर, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका क्या इन्फॉर्मेशन है इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता, लेकिन इट डिपेंड्स एज मच ऑन द जीन प्रोडक्ट जो आया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और क्या कैरेक्टरिस्टिक ये दिखा रहा है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या है। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो फेनोटाइप्स जो है, लार्ज राउंड ऐसे स्मॉल रिंकल, ये सारे मोर देन वन फेनोटाइप इज इन्फ्लुएंस बाय द सेम जीन। सो जीन का ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद का अपना जो डोमिनेंसी है ये खुद इसका कोई फीचर नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन द जीन प्रोडक्ट एंड इन इट डज नॉट हैव इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक कि ये डोमिनेंट है कि ये रिसेसिव है, खुद से हम लोग पता नहीं कर सकते, प्रोडक्ट से देखना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस्ड है शेप एंड साइज वाला, सो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वन सिंगल जीन इज कंट्रोलिंग मोर देन वन कैरेक्टरिस्टिक्स, सो वन जीन हैविंग मोर देन वन इफेक्ट। सो नेक्स्ट वी कम टू द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी जो जो हम लोगों ने अभी तक का देखा है कि मेंडल्स लॉज, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डायहाइब्रिड क्रॉस है, ये सारे मेंडल्स लॉज से इन्फ्लुएंस्ड है, और मेंडल ने अपना जो वर्क है वो पब्लिश किया था इन 1865, लेकिन बहुत सारे कारण के वजह से ये 1900 तक इसको रिकॉग्निशन मिला ही नहीं था, मतलब किसी ने इसको समझा ही नहीं था मेंडल्स लॉज को कि कैसा है, और बाद में तो मेंडल्स लॉज का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये फेल ही हो गया। बट वाई मेंडेलियन लॉज फेल्ड, क्यों फेल हुआ था, नंबर वन पॉइंट क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन। उससे टाइम में तब इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ नहीं था। कम्युनिकेशन मतलब कैसे लोगों से मतलब हम लोग बात करते हैं, कैसे अपना इन्फॉर्मेशन दूसरों को देते हैं, सो ये उस टाइम में उतना पहले इतना इजी नहीं था जितना आज है, और इसलिए पब्लिश नहीं हुआ इतना ज़्यादा अच्छे से, लोगों को मालूम ही नहीं चला कि मेंडल ने यह सब किया है, पब्लिसिटी हुआ ही नहीं। फिर मेंडल का जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, उसने जो बताया था कि जीन्स क्या है, फैक्टर्स है और स्टेबल है, कुछ एक पर्टिकुलर यूनिट है एंड वो कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता रहता है, ये बहुत सारे साइंटिस्ट उस टाइम के लोग जो पढ़ाई करते थे उनको एक्सेप्ट ने मतलब वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए, दे वर नॉट एक्सेप्टिंग द थॉट ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन्स बींग स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट, ये फैक्टर्स है बोल के इसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे लोग उस टाइम के। थर्ड पॉइंट में देखो, मेंडल ने बहुत कुछ, जैसे हम लोगों ने क्रॉसेस में देखा है कि मेंडल ने बहुत सारे कुछ मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया, रेशियोज़ में, चेकरबोर्ड में या पुनर स्क्वायर में, सो इतना मैथमेटिकल यूजेस सबको अच्छा नहीं लगा था, और एक बायोलॉजिकल फेनोमिना है, सो ये टोटली न्यू कॉन्सेप्ट था, सो इट वाज आल्सो अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि यहाँ पर मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, सो इसलिए बहुतों ने इसको मतलब और एक्सेप्ट भी नहीं किया था। फिर क्या हुआ, जो फैक्टर्स है जीन्स का, जो फैक्टर्स है मतलब जीन को तो फैक्टर ही बोला गया था मेंडल के थ्रू से, सो ये सब जो है डिस्क्रीट यूनिट्स है, इसके लिए कोई भी प्रूफ उसने नहीं दिया था, सो ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फैक्टर्स। सो देयर वर लैक ऑफ कम्युनिकेशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीन वॉज नॉट एक्सेप्टेड,
mathematics, the use of mathematics was new and unacceptable, then he could not provide any physical proof for the existence of the factors. So these were the reasons for the failure. इसलिए मेंडल का लॉज जो है वो फेल हो गया. फिर 1900 में तीनों साइंटिस्ट आए, डेव राइस, कॉरेंस एंड वॉन शेरमार्क. उन लोगों ने फिर से एक बार मेंडल्स का जो रिजल्ट्स है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, उसको फिर से एक बार रिडिस्कवर किया. और माइक्रोस्कोप भी उसी टाइम में बहुत अच्छे से डिस्कवर हो गया था, उसका वर्क भी बहुत अच्छे से हो गया. और साइंटिस्ट सेल डिवीजन देखने लगे माइक्रोस्कोप्स में, अच्छे तरीके से स्टडी करने लगे. और फिर न्यूक्लियस भी डिस्कवर्ड हो गया. उसके बाद क्या आया, क्रोमोसोम्स भी दिखाई दिया. एक पर्टिकुलर सेल डिवीजन का स्टेज में कलर्ड बॉडीज दिखाई दिया, जिसका नाम क्या दिया था, क्रोमोसोम्स. फिर 1902 में क्या हुआ, क्रोमोसोम का जो मूवमेंट है इसको भी देखा गया. मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स में क्या मूवमेंट होता है इसको भी दिखाई दिया गया. सो प्रोसीडियर्स ऐसा हो रहा है कि 1900 में क्रोमोसोम्स दिखाई दिया और 1902 में क्रोमोसोम्स कैसे मूव करता है मियोसिस के दौरान इसको भी दिखाई दिया साइंटिस्ट को. फिर वाल्टर सैटन एंड बोवेरी, उन लोगों ने क्या देखा, क्रोमोसोम का बिहेवियर देखने लगे. वो लोग क्रोमोसोम स्टडी करने लगे, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम. और क्या देखा उन्होंने कि क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वो एकदम सेम टू सेम है जीन्स की तरह. एंड ऑल्सो देयर आर क्रोमोसोम मूवमेंट्स, क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है जीन्स की तरह ही है. एंड देयर ऑल्सो दे यूज द क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉस. उन लोगों ने क्रोमोसोम मूवमेंट को समझाने का कोशिश किया कि हाँ ऐसा हम लोगों ने देखा है और ऐसा हो रहा है और क्रोमोसोम मूव कर रहा है, तभी जाके मेंडल्स का लॉस को एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है. सो हम लोगों ने पहले भी देखा था सेल डिवीजन का चैप्टर में कि क्रोमोसोम कैसे बिहेव करता है माइटोसिस के दौरान या फिर मियोसिस के दौरान. क्रोमोसोम्स का मूवमेंट्स क्लास 11 में हम लोगों ने स्टडी किया है. द क्रोमोसोम्स और जीन्स बोथ ही पेयर्स में आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि दोनों ही पेयर्स में आते हैं, एक एक नहीं. और जीन का दो एलील्स होता है और ये एलील्स कहाँ रहेंगे, होमोलोगस सेम टू सेम क्रोमोसोम्स का होमोलोगस साइट्स में. जो जीन का जो एलील्स होता है, अभी बताया है कि एक जीन का दो एलील होता है, सो वो कहाँ रहेंगे. जो सपोज ये एक क्रोमोसोम, ये भी एक है, सो इसका जो होमोलोगस साइट्स है सपोज यहाँ और यहाँ, ठीक है. सो टू एलील्स ऑफ द जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स. होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब पहले भी सेल डिवीजन में देखा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब सेम टू सेम ऐसे एक ही जगह पर रहने वाले और पेयरिंग करके रहने वाले, होमोलोगस पेयरिंग और होमोलोगस मतलब सेम टू सेम. तो इस जगह पर जीन्स होमोलोगस साइट्स में ही रहेंगे. जीन पेयर में होता है, क्रोमोसोम्स भी पेयर में होता है. ईच जीन हैविंग देयर ओन एलील्स, सो ईच ऑफ देम विल बी लोकेटेड ऑन द होमोलोगस साइट्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे एक टेबल है, कंपैरिजन बिटवीन बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स. सो दो टेबल दिया हुआ है, अकर इन पेयर्स, सेग्रीगेटेड द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन पेयर ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट, सेपरेटेड गैमेट फॉर्मेशन एंड ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमेट, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, one pair segregates independently of another pair. Now can you tell which of these columns A or B represent the chromosome and which represent the gene? How do you decide? So यहाँ पर आप लोगों को decide करना है कि कौन सा chromosome होगा और कौन सा gene होगा. So यहाँ पर column A जो है ये chromosome है and column B जो है ये gene है. अभी देखते हैं कि anaphase का meiosis stage में जो दो two chromosomes है तो वहाँ पर क्या होगा. द टू क्रोमोसोम्स पेयर्स कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्ले इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. जब एनाफेज स्टेज होता है, मियोसिस वन का जो एनाफेज स्टेज होता है, तब क्या होता है कि क्रोमोसोम पेयर्स कैन अलाइन, अलाइन मतलब एक जगह पर आके रहना इन द मेटाफेज प्लेट. मेटाफेज प्लेट मतलब जो इक्वेटोरियल प्लेट होता है बीच का, और वहाँ पर आके क्रोमोसोम्स खड़े हो जाते हैं. सो
इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर कलरिंग करके दिया हुआ है, क्रोमोसोम्स ऑफ फोर डिफरेंट कलर्स। यहाँ पर देखो, इन द लेफ्ट कॉलम देयर इज पॉसिबिलिटी वन ऑरेंज ग्रीन सेग्रीगेटिंग टुगेदर, और राइट हैंड कॉलम पॉसिबिलिटी टू भी है, ऑरेंज क्रोमोसोम इज सेग्रीगेटिंग विद द रेड क्रोमोसोम। वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम, एक लॉन्ग ऑरेंज है एंड शॉर्ट ग्रीन है, एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। यहाँ पर देखो, वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम, लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट रेड, एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एट द सेम पोल। पॉसिबिलिटी दो होते हैं, ये वन एन एंड टू, दोनों का डिफरेंस समझने का कोशिश करना है इस डायग्राम मैटिक रिप्रेजेंट से। सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें हम लोग दो पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स है। देखो यहाँ पर, ऑरेंज शॉर्ट ग्रीन, लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, ये इधर चला गया और ये इधर चला गया। अब जब असॉर्टमेंट अलग अलग हो रहे हैं सारे, ये दोनों ये अलग हो रहे हैं, ये फिर इसके साथ, ये फिर इसके साथ, फिर जर्म सेल्स में क्या आ रहा है ऐसा करके। अभी यहाँ पर जो असॉर्टमेंट अलग अलग हो जाएगा, इसको भी हम लोग देख सकते हैं, ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ और ये भी हुआ। सो ऐसा करके हम लोग देख सकते हैं कि दिस इज शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर सैटर्न एंड बोवरी ने बहुत ज़्यादा टाइम तक उन लोगों ने बहुत आर्ग्यूमेंट किया कि पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। अगर पेयरिंग होगा फिर सेपरेशन होगा क्रोमोसोम्स का, तो जो फैक्टर्स उसमें हैं उसको भी सेग्रीगेट होना पड़ेगा, वो भी हो जाएगा एक्चुअली। सो सैटर्न यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल एंड कॉल्ड इट एज क्रोमोसोमल थ्योरी इनहेरिटेंस। सो अब सैटर्न ने क्या किया कि क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का भी प्रूफ मिला और फिर मेंडेलियन प्रिंसिपल्स का भी प्रूफ मिला। सो दोनों को मिला के उसने क्या किया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को मतलब लिखा और पब्लिश किया। फिर जो आइडियाज़ आए, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन भी हुआ, और क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस थॉमस हंट मॉर्गन और उनके साथियों ने किया था। सो जब एक्सपेरिमेंट हो रहा है तब बहुत सारे वेरिएशन, बहुत सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मिले, और मॉर्गन ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने एक पर्टिकुलर फ्रूट फ्लाई, छोटा सा जो मक्खी जैसा होता है, जैसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसका नाम है, ये सब क्रोमोसोमल स्टडीज़ के लिए उसी को चुना था। क्यों ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को बार बार चुना जाता है जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सिंथेटिक मीडियम में ग्रो करने का कैपेसिटी होता है, सिंथेटिक मीडियम में ईजिली ग्रो कर जाता है ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाइज जिसका नाम है। लाइफ साइकिल 2 वीक में कम्प्लीट हो जाते हैं, एक मेटिंग में बहुत ज़्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग आ जाते हैं, प्रोजेनी फ्लाइज मतलब बेबीज आ जाते हैं। क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस इज ऑल्सो देयर, मेल कौन है फीमेल कौन है देखने से ही पता चल जाता है, तो इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं मेल फीमेल है, और बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन, और लो पावर माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। सो इसलिए ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को हमेशा चुना जाता है, और थॉमस हंट मॉर्गन ने भी ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चुना था फॉर हिज एक्सपेरिमेंट टू शो द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, और जिसके बेसिस में बहुत सारे कुछ वेरिएशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आए। और क्यों चुना था, क्योंकि इजीली ग्रो कर सकता है लैबोरेटरी मीडियम में, लाइफ साइकिल 2 हफ्ते में कम्प्लीट हो जाएगा, मेल फीमेल अलग अलग दिख रहा है, एक मीटिंग में बहुत ज़्यादा बच्चे आएंगे, और फिर बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी उसमें मिलता है, इसलिए ड्रोसोफिला इज़ द बेस्ट वन, बेस्ट सूटेबल वन टू डू द एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू जेनेटिक्स। सो आज हम लोगों ने देखा को डोमिनेंस एंड थोड़ा बहुत आइडिया मिला हम लोग को क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे।